सही। तो लास्ट क्लास में दो क्वेश्चन दिया था मैंने, बताइए। पहले जो क्वेश्चन था, जड़ फॉर स्कैंडियम कोरस एंड सीडी इलेक्ट्रॉन, कोरस का क्या आया? सर सर थ्री 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 करेक्ट। फोर एस का आएगा स्कैंडियम, 21 माइनस 18 ये जा रहा था, और थ्री डी का 2.65 तक आया सर मेरा, 2.65 सर। 2.6 तक मतलब क्या होता भाई? मतलब अभी आ रहा है क्या रास्ते में क्या? नहीं 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 सर, मतलब मैंने आंसर 2.6 लिखा है सर, 6.5 लिख सकते हैं। नहीं नहीं टेंशन मत लीजिए, 2.65 भी गलत है और 2.6 भी गलत है, ठीक है? 0.25 सर, पता नहीं बहुत ही हैवी आ रही है आपकी आवाज, पता नहीं क्या हो गया है। सभी को आ रहा है क्या हैवी? बहुत ज्यादा हैवी? नहीं सर, हमको तो आ रही है। नो सर, हमको क्लियर आवाज आ रही है। क्लियर आ रहा है तुम्हारे फोन का गला? भाई नहीं सर, समझ में भाई आ रहा है पर थोड़ी हैवी लग रही है। हाँ तो तुम्हारे फोन का गला बैठ गया होगा, जाने दो, है ना? तो क्या इधर देखो क्या है, टू ना थ्री क्या सर? 6.25 है क्या? नहीं 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 नहीं, और इससे पहले किसने बोला था थ्री? थ्री किसने बोला था क्या? नहीं सर, नहीं बोला था। ठीक है, इसका भी आंसर जो है बेसिकली थ्री आएगा। समझ, अब मैंने आंसर बता दिया, अब मैंने आंसर बता दिया, तो अब चेक करिए आपसे गलती क्या हुई। डी में, डी वाले में सबशेल से चलता है, तो थ्री डी वन में एक ही इलेक्ट्रॉन है, उसी देख रहे हैं, तो वन के अलावा कोई और दूसरा इलेक्ट्रॉन है क्या? नहीं, जीरो, 0.35 होना चाहिए था। एंड रेस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन इंटू वन, 18 इंटू 1। यस सर, ये लिख देने के बाद भी आपको समझ में, आपको आपको खुद से चेक करके आना चाहिए कि आपकी क्या गलती हो रही है। फिर भी नहीं मालूम चला फिर मेरे को बताइए, फिर मैं करता। समझ गया सर गलती का आपको, बताइए। किसी को फिर भी नहीं आया तो बताइए, मैं करूंगा। डी वन है ना स्कैंडियम, थ्री डी वन है, तो एक ही इलेक्ट्रॉन उसी भी देख रहे हैं, तो उसके अलावा और कोई है नहीं वहां पे। ब्लर हो रहा है सर, हो जाएगा सही, वो नेटवर्क का आपका वो है, फ्लक्चुएशन की वजह से हो रहा है, हो जाएगा सही। वैसे मैं भी कुछ मैं लिख नहीं रहा हूँ, जस्ट ऐसा डिस्कस कर रहा हूँ आपसे। बताइए सर, वो टोटल क्या आ रहा है सब ऐड करने के बाद? टोटल मतलब, टोटल बोले तो सर मेरा वो मतलब जो पावर्स है ना, वो टोटल करने के बाद 20 आ रहा है। मैं आपने जो बोला मैंने वही किया, 0.05 + 20 × 1 आ रहा है, मतलब मेरा जो पावर है ना वो 20 आ रहा है, तो वो आंसर 20 मतलब 1 आ रहा है। 20 नहीं होगा ना, एक रूल था कि राइट हैंड साइड मतलब हायर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को काउंट नहीं करना है, तो 4s वाले दो इलेक्ट्रॉन क्यों काउंट कर रहे हैं आप? ओके सर, समझ गया सर। वो थर्ड ऑर्बिट के हमें सारे इलेक्ट्रॉन्स लेने थे ना? यस सर, समझ गया समझ। नहीं, जब डी सबशेल में इलेक्ट्रॉन हो तो उसमें सबशेल से चलता है सर। तो हमने जब कल आयरन का किया था उसमें 4s का लिया था, तो तब हमने सिग्मा में
कैलकुलेट करते हैं 0.85 × 14 लिया हाँ सर, तो फिर उधर जब एस और पी, जब एस और पी के इलेक्ट्रॉन्स निकाल रहे सिग्मा तो ऑर्बिट वाइज चलेंगे, थर्ड ऑर्बिट में जितने होंगे सबको लेना पड़ेगा, मतलब डीवी डीवी बिल्कुल बिल्कुल डीवी। बट जब मतलब कोई ऐसे इलेक्ट्रॉन का सिग्मा निकाल दो जो डी सबशेल में है तो फिर सबशेल वाइज चलना है, डी सबशेल के इलेक्ट्रॉन उस एक को छोड़ के और बाकी रेस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू वन। ओके मतलब सर अगर डी सबशेल का निकालना हो तो डी सबशेल के राइट में जो होंगे उसको कंसीडर नहीं करना है। ये डी सबशेल के लिए नहीं है, ये सभी के लिए है कि अगर इलेक्ट्रॉन मान लो, देखो ये इलेक्ट्रॉन मान लो डी में हो, एस में हो, पी में, कहीं भी हो, ये न्यूक्लियस है, मुझे बताओ ये बाहर कोई इलेक्ट्रॉन है तो इस इलेक्ट्रॉन को इससे अट्रैक्ट होने में, इस इलेक्ट्रॉन को इससे अट्रैक्ट होने में ये रोक, ये कुछ रोकेगा क्या इसको? नो सर, हिंड्रेंस क्रिएट करेगा फिर, मतलब हायर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन कभी नहीं लेने हैं, चाहे वो डी के में देख रहे हो या फिर कोरस में देख रहे हो। यस सर, समझ गए। ये इलेक्ट्रॉन समझ गए, ये इलेक्ट्रॉन एस में है या फिर डी में है, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन, बाहर मतलब हायर ऑर्बिट कभी नहीं देखना है। ओके, तो तुम जरा 20 आ रहा ना, तो क्योंकि कोरस के दो इलेक्ट्रॉन ले रहा तुम। यस सर समझ गए, अभी 18 आया तो 3 है सर। हां, और कोई और कोई डाउट किसी को? किसी को बिल्कुल नहीं जमा? दो मतलब एक मिनट का मेरे लिए लेके जाऊंगा, तो मैं लिख दूंगा तुरंत, बताइए कि हो गया? हो गया सर। हो गया सभी से? हो गया, हो गया सर। यस सर, ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए तो अब मेरा एक्चुअली सवाल अब स्टार्ट होगा कि 4s इलेक्ट्रॉन का भी 3 पावर से कर रहा है अट्रैक्ट, बेसिकली इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का दूसरा नाम दे सकते हैं इफेक्टिव पावर ऑफ न्यूक्लियस टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन, मतलब या बेसिकली पावर ऑफ न्यूक्लियस टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन, कि फाइनली किस पावर से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है न्यूक्लियस। 4s को कितने पावर से कर रहा है अट्रैक्ट? न्यूक्लियस 3, इसको भी 3। अब मुझे इलेक्ट्रॉन अगर निकालना है तो अब कहां से निकलेगा इलेक्ट्रॉन? अब तो दोनों का सेम पावर से कर रहा है अट्रैक्ट, बताइए समझ आ रहा है ना सवाल क्या है? लास्ट क्लास में क्या था, रिपीट कर दीजिए। अच्छा, लास्ट हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था कि आयरन में जेड इफेक्टिव 3D का ज्यादा आया था, 4S का कम आया था, ठीक है? तो हम लोगों ने बोला था कि अब अगर इलेक्ट्रॉन को निकालना होगा तो जो कम पावर से अट्रैक्टेड है वहां से निकलेगा इलेक्ट्रॉन पहले, तो कम पावर से अट्रैक्टेड कौन था? 4S। Yes, sir. ठीक है? Yes, sir. नोट्स रिवाइज करके आया करिए भाई। तो 4S कम पावर स्टार्टेड है तो 4S पहले निकलेगा, यहाँ तो अट्रैक्शन पावर सेम हो गया 3-3। तो अब सवाल है कि अब इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा पहले अगर निकालना हुआ तो, 4S से या 3D से? सर 4S से। कैसे बता रहे हैं? तो इस लेटर रूल से क्लियर, इस लेटर रूल से क्लियर हो पा रहे क्या? इस रूल के हेल्प से हम लोग आंसर कर पा रहे क्या? नो सर, नहीं कर पाएंगे, ये इस रूल का ड्रॉबैक है, इसलिए लिमिटेशन बोल लीजिए, ड्रॉबैक नहीं लिमिटेशन है, कि कई केसेस में आप आंसर नहीं कर पाएंगे कि अब इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा पहले, ठीक है? तो इस लेटर रूल के अलावा और भी है रूल, ठीक है, जेड इफेक्टिव कैलकुलेट करने के लिए। तो यहां तक आ गया हो तो इसके बाद लिखिएगा स्टेटमेंट। सो इट इज नॉट एक्सप्लेन्ड, सो इट इज नॉट एक्सप्लेन्ड सो इट इज नॉट एक्सप्लेन्ड दैट removal of electron that removal of electron will first take place from ns will first take place from ns or n minus 1d sir
सर एक मिनट रिपीट कीजिएगा, मेरा नेटवर्क कनेक्शन चला गया था. सो इट इज नॉट एक्सप्लेन्ड, सो इट इज नॉट एक्सप्लेन्ड दैट रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन that removal of electron will first take place from ns or n minus 1d. dikha maine us din ns or n minus 1d aise. Himanshu sir, main ek bar rejoin karta hu to aap please mereko ye le lena, apne waiting room se meeting mein le lena. acha acha theek hai theek, karo ns or n minus 1d. Full stop. हाँ सर. ns or n minus 1d full stop. आगे लिखे more accurate method was developed by Clementi and Raimondi. खतरनाक नाम है इन लोग के, क्लेमेंटी एंड रेमोंडी. ये हमारे सिलेबस में नहीं, हालांकि कैलकुलेट कैसे करते हैं क्या है इसके बारे में कुछ भी नहीं है. हमारे सिलेबस में जेड इफेक्टिव निकालने का एक ही मेथड, वो है स्लेटर रूल, जो हम लोगों ने पढ़ लिया. ठीक है, इन दो साइंटिस्ट ने मिलकर एक थोड़ा और एडवांस वर्जन मेथड निकाला जिससे थोड़ा एक्यूरेट आता है. और वो एलिमेंटी है के क्या है? नहीं, क्लेमेंटी है, क्लेमेंटी, सी एल ई एम ई एम ई एन टी आई, Clementi and Raimondi. Right, sir. Which suggests that, मैं बोला फिर से, more accurate method was developed by Clementi and Raimondi, which suggests that Z effective of 4S subshell is less than that of 3D subshell. Z effective of 4S subshell is less than that of 3D subshell. Less than that of 3D subshell. Full stop. ठीक है, मान लीजिए उन्होंने देखा कि भाई 4s का कम होता है जेड इफेक्टिव 3d से, इसका मतलब 4s का पावर कम है अट्रैक्शन का, तो फाइनली इलेक्ट्रॉन पहले कहां से निकलेगा? 4s से ही निकलेगा. ठीक है, और हम लोगों ने देखा भी है 4s से निकलता पहले. सर इसके पहले वाला लास्ट लाइन रिपीट कर दीजिए ना. हाँ, विच सजेस्ट दैट जेड इफेक्टिव ऑफ 4s सबशेल which suggests that Z effective of 4S subshell is less than that of 3D subshell. 4S subshell is less than that of 3D subshell. Thank you. निवेदित, मैं तुम्हारा एक्स्ट्रा क्लास इसे नहीं लगाया अभी आजकल में, एक्चुअली एक दो बच्चे और ज्वाइन करने वाले हैं मंडे से मोस्ट ऑफली. okay, तो मैं सोच रहा हूँ कि हाँ, फिर वो क्वांटम नंबर वहां बोले भी फिर वहीं फंसेंगे, तो एक ही साथ जो है काउंटर नंबर का लेक्चर ले लूंगा मैं. ठीक है, वैसे तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होगा, अभी मैंने जैसे बताया था कि अभी अब हम लोग वो स्टार्ट करें क्या, पीरियोडिसिटी स्टार्ट करेंगे, उसमें आएगा नहीं. ठीक है, ओके सर. चलो, तो मंडे वगैरह को मैं मंडे या ट्यूसडे को जो है एक एक, एक, एक में लेक्चर लूंगा, काउंटर नंबर पे ही लूंगा. ठीक है सर. चलो, नेक्स्ट प्रॉब्लम हो गया सॉल्व.
फास्फोरस एटम का 3s बताइए आंसर क्या है 5.8 यस सर और किसका दोनों 4.8 आ रहा है मेरा अभिराम अभिराम करेक्ट है अभिराम का करेक्ट है बहुत बारीकी से रूल पढ़ना पड़ेगा आपको अब देखिए अभिराम ने कर लिया बाकी लोग नहीं कर पाए बाकी लोग ने किया थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो गया इसका मतलब अगर एक बच्चे ने भी कर लिया इसका मतलब मेरे नोट्स में तो कहीं कमी नहीं थी उसने वही नोट पढ़ के सही कर लिया है ना मतलब नोट्स में कोई कंफ्यूजन नहीं था अपने को समझ में नहीं कंफ्यूजन हुआ या फिर उसको ध्यान से नहीं अपन समझ पाए फिर से सोचिए दोनों का आंसर 4.8 आएगा रूल से वापस जाइए अपनी गलती खुद ढूंढिए जिसको गलती दिख जाए अपना बताइए मेरे को सर मिल गई भाई दोनों 3s 3p दोनों के लिए रूल सेम होगा ना यस सर आपने 3s का निकालते वक्त किया क्या होगा 3p को इग्नोर कर दिया होगा यस सर क्योंकि वो राइट हैंड साइड है बट राइट हैंड साइड के साथ दिखाया था हायर ऑर्बिट यस सर बराबर तो एक ही ऑर्बिट में है ना इग्नोर नहीं कर सकते समझ गया सर ये देखिए जितने भी क्वेश्चंस मैंने दिए ना बहुत चुन चुन के क्वेश्चन दिए आप लोग को जो गलतियां होती है खासकर वही क्वेश्चन दिए आपको और हर क्वेश्चन से एक कंसेप्ट आपको निकल के आएगा जैसे इस क्वेश्चन से निकल के आए कि इस रूल से एक्सप्लेन नहीं हो पाता इससे भी कंसेप्ट निकल के आएगा सर हम जो एटॉमिक मॉड्यूल्स मतलब हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है उस चैप्टर का इस चैप्टर पे और कितना इम्पैक्ट है मतलब जैसे हमने बीच में देखा कि बोर मॉडल हमें पढ़ना पड़ेगा कुछ कुछ बोर मॉडल का बहुत बेसिक कि एनर्जी क्या होता है ओके मतलब हायर ऑर्बिट में जाते जाएंगे तो एनर्जी बढ़ते चल जाता है उसको आप ऐसे याद रख सकते हैं भाई कोई बिल्डिंग है फ्लोर पे चढ़ते जा रहे हैं थर्ड फ्लोर फोर्थ फ्लोर फोर्थ फिफ्थ फ्लोर सिक्स फ्लोर तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होते जाता है इंक्रीज होते जाता है ना mgh हाइट बढ़ते जा रहा है हाँ सर उससे रिलेट कर लीजिए बस उतना ही है ज्यादा रिलेशन नहीं है अगर ज्यादा रिलेशन रहता तो मैं आप लोग को मर्ज करता ही नहीं ठीक है खासकर केमिस्ट्री में ये थोड़ा सा ऊपर वाले ने मेरे को छूट दिया है भगवान ने कि ज्यादा रिलेशन नहीं है फिजिक्स मैथ में ये उनको ऐसे लेवरेज नहीं है मेरे को लेवरेज है ये कि मोल कंसेप्ट इंडिपेंडेंट है एटॉमिक स्ट्रक्चर हाँ एटॉमिक स्ट्रक्चर प्रोटोबॉडी थोड़ा सा रिलेटेड है जहां आएगा उतना मैं आपको अलग से बता देता हूँ ठीक है क्योंकि सर कैसे हमने 30 पेजेस छोड़े तो मैं सोचता हूँ इतना क्या है उसमें अभिराम लोग से पूछो इतना क्या है इसमें बहुत है भाई बहुत एक्चुअली कंसेप्चुअल कंसेप्ट कम है फॉर्मुलेस कम है मैं न्यूमेरिकल बहुत करवाए मैंने सारे केसेस करवाए अगर उतने केसेस नहीं करवाऊंगा तो आप एलिमेंट्स का वर्कबुक सॉल्व कर ही नहीं पाएंगे आप पूछ लीजिए इन लोग से सॉल्व कर रहे हैं लोग कर ही नहीं पाएंगे आप इसलिए वो मुझे करवाना ही पड़ता है और उसके बावजूद ध्यान रहे अभी एटॉमिक स्ट्रक्चर किसी का पूरा खत्म नहीं हुआ है श्रोडिंगर वेव मॉडल पूरा बचा हुआ उसके लिए कम से कम 12-15 पेज और लगेंगे बहुत लेंदी चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर हाँ भाई तो ये हो गया क्या फास्फोरस वाला सभी का 4.8 आ रहा है क्या अब यस सर मैं करूँ यस सर सभी का आ रहा है अपेक्षा यस सर यस सर आ गया गलती समझ में आ गई अभी यस सर यस ठीक है 3s का जब निकालेंगे तो भी 3p के इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा और 3p के निकालेंगे तो आपको 3s के लेना ही है
ठीक है। चलिए तो ये 4.8 आ गया। अब क्या करेंगे, यहाँ भी सेम आ गया, फॉस्फोरस में भी 3s का 4.8 चलते। अब इलेक्ट्रॉन किससे पहले निकलेगा अगर निकलना होगा तो? बताइए, क्योंकि जेड इफेक्टिव दोनों का सेम आया इस रूल से, बट 3p का एनर्जी लेवल क्या होता है, ज्यादा होता है। एनर्जी लेवल लिखा था ना 1s 2s 3s 3p का एनर्जी लेवल ज्यादा है तो उससे इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है भाई। जिसका एनर्जी ज्यादा है उसको थोड़ा और दो एनर्जी तो बाहर निकल जाएगा, ठीक है, क्लियर है। बट अगेन इस स्लेटर रूल से ये एक्सप्लेन नहीं होता, एनर्जी ज्यादा ये हम लोग कहां से बोल रहे हैं, अबवा प्रिंसिपल से। यस सर, ठीक है, वो एक अबवा प्रिंसिपल था जो मैंने ऑर्डर लिखा था ना 1s 2s 3s, वो अबवा प्रिंसिपल आता है ये। इसके लिए बोल रहा हूँ मैं, क्या नाम है, निवेदित के लिए बोल रहा हूँ मैं, वो सुन के डर जाएगा अरे अबवा प्रिंसिपल क्या, ये किसके बाव है, तो अबवा प्रिंसिपल है ये, तो उस प्रिंसिपल से वो ऑर्डर आता है, एनर्जी ऑर्डर, ठीक है। चलो तो ये कंप्लीट हो गया, अब आगे बढ़ते हम लोग। नेमिंग ऑफ सुपर हैवी एलिमेंट्स, सुपर हैवी मतलब वो जेड 100 से आगे वाले, एटॉमिक नंबर 100 से ऊपर वाले, जो मैक्सिमम जो सारे क्या है आर्टिफिशियल एलिमेंट है। अच्छा, इस टेबल में आपको आइडिया है ना कितने नेचुरल है कितने आर्टिफिशियल है मॉडर्न टेबल में, कोई 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 मेरे नंबर बताएगा क्यों? मॉडर्न पीरियड टेबल में कितने नेचुरल और कितने आर्टिफिशियल है? एनीवन? 93 to 118 93 to 118 आर्टिफिशियल है, 92 तक नेचुरल है, ठीक है। रेडियोएक्टिव कहाँ से है, किसी को आइडिया है, जनरल नॉलेज? नहीं, लेड के बाद से, 82 के बाद से, 83 से, बिस्मत, ठीक है। कुछ बुक्स में देखेंगे तो 84 से दिया रहता है, कुछ बुक्स में 83 से दिया रहता है, तो बिस्मत को भी फाइनली जो है रेडियोएक्टिव मतलब सर्च कर लिया गया कि नहीं बिस्मत भी रेडियोएक्टिव होता है, तो 82 के बाद से 83 मतलब 83 टू आगे के सभी क्या है रेडियोएक्टिव है सभी। चलिए, सुपर हैवी एलिमेंट्स का नेमिंग करने के लिए एक अलग से आईपीएसी ने रूल दिया एक्चुअली। जैसे सोडियम है, सोडियम के लिए कोई नेमिंग का रूल है क्या? नहीं ना, उसने तो आईपीएसी नाम दे दिया, फिर मतलब डायरेक्ट नेम दे दिया, कोई सेट ऑफ रूल्स नहीं बनाया, बट 100 के ऊपर वाले एलिमेंट्स के लिए एक रूल बनाया है। जैसे आपने 10th में ऑर्गेनिक के लिए पढ़ा होगा, अल्कोहल है तो ऑल लगता है, एल्डिहाइड है तो अल लगता है ना, रूल्स पढ़े ना वैसे। यहाँ भी कुछ सेट ऑफ रूल्स है एक्चुअली, ठीक है। डायरेक्ट नेमिंग नहीं दिया है, मतलब डायरेक्ट नेमिंग है भी, ऐसा नहीं है कि 102 जो एलिमेंट उसका नाम नहीं है, नाम है बट दूसरा भी नाम है एक, ठीक है, दूसरे तरीके से भी। तो क्या है लिखिए, स्टेटमेंट लिखिए। तो जैसे ऑर्गेनिक पढ़ते हैं कि एक ही सेक्शन से दो नाम होता है, एक आईपीएससी और एक कॉमन नेम है ना, तो यहां भी वैसा ही मान लीजिए, लिखिए डिजिट ऑफ एटॉमिक नंबर, डिजिट ऑफ एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट डिजिट ऑफ एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट आर एक्सप्रेस्ड digit of atomic number of an element are expressed
सीरियली लिख रहा हूं मैं, सीरियली सीरियली मतलब वही 101 102 103 ऐसे, सीरियली यूजिंग दी फॉलोइंग न्यूमेरिकल रूट्स, यूजिंग दी फॉलोइंग न्यूमेरिकल रूट्स, सर फॉलोइंग के बाद क्या बोल, फॉलोइंग न्यूमेरिकल रूट्स, न्यूमेरिकल रूट्स, मतलब जो एटॉमिक नंबर है उसका उसी से नाम निकाला है, समझ में आ गया होगा आपको, नंबर से ही नाम निकाला हुआ है। बताता हूं मैं एग्जांपल, बहुत इजी है, ये आप लोगों ने टेंथ में पढ़ा है ना ऑर्गेनिक में, ऐसा कुछ मतलब वो थोड़ा सा था, 0 1 2 वाला नहीं पढ़ा सिर्फ, थोड़ा अलग है वैसे उससे, थोड़ा अलग है उसमें, सेवन में है वो पढ़ा था सर, मेथड प्रोप्यूट पेंट है वो वाला सर, वो एथ मैट वगैरह था उसमें, हाँ सर मैं उसमें जैसे सेवन में हैप रहा होगा, हैप, हाँ सर यहाँ स्टेप है, यहाँ स्टेप नोन, नाइन में वहाँ पे नोन रहा होगा, यहाँ एन है, नोन एन है, ई डबल एन है, थोड़ा बहुत अलग है, वन सर वो लास्ट वाला प्रॉब्लम नहीं आ रहा मेरा, 4.8 नहीं आ रहा है, नो सर, बड़ा जल्दी बता दिए, बताना चाहिए ना उसी समय, टॉपिक दूसरे टॉपिक पे भी चला गया, देखिए अच्छा इसको लिख लीजिए बाकी लोग, देखिए कर रहा हूँ, देख लीजिए सभी लोग कर ही रहा हो तो, नाइन्थ का क्या है, ई एन एन, हाँ ई एन 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 और क्या, देखिए हाँ वो वाला मेथड देखिए, फॉस्फोरस 1H2 2H2 2P6 3H2 सर बोर्ड ब्लर आ रहा है, तो वो फर्स्ट आपने वन के लिए क्या लिखा है वो, उन उन या अन UN बोर्ड अभी भी आ रहा है क्या ब्लर, अब फोकस हो गया था, नहीं सर ठीक, हां क्योंकि इसमें सही दिख रहा था इसलिए क्वेश्चन, चलिए तो 1H2 अब देखिए किसके लिए निकाल, पहले 3H के लिए निकालता हूं, ठीक है तो सिग्मा क्या हो जाएगा भाई, सेम ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3s के थर्ड ऑर्बिट, ऑर्बिट वाइज चलता है, ये लीजिए ऐसे बना, देखिए ऐसे बना लेंगे ना गलती नहीं होगा, फिर उसको ग्रुपिंग कर लीजिए, ग्रुपिंग गलती नहीं होगा ना, फिर 3s तो थर्ड ऑर्बिट में, थर्ड ऑर्बिट में 3s में थर्ड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल, 5, तो 5 में से किसी एक पे देख रहे हैं तो बाकी फिर कितने बचे, 4, सेम ऑर्बिट का कंट्रीब्यूशन कितना था, 0.35 प्लस एन माइनस वन कितने हैं, 8 × 0.85 प्लस एन माइनस टू कितने, 2 × 1 कैलकुलेट कर लीजिए, क्या आता है ये 10.2 आएगा, ठीक है तो जेड इफेक्टिव निकाल लेंगे, जेड कितना है 15 माइनस 10.2 क्या आ गया, यस सर आ गया, ठीक है समझ गया सर, और सेम एग्जैक्टली 3P के लिए होगा, हाँ सर
के लिए भी देखेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन को देख रहा है तो दो और दो चार बच जाएगा, सेम 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 कॉपी पेस्ट कर दी खेती के लिए, ठीक है। चलिए तो ये 0 to 9 तक लिखने के बाद लिखिए आगे, द सक्सेसिव रूट्स आर दे सक्सेसिव रूट्स आर सर 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 वो नेटवर्क में प्रॉब्लम आ गया था, आपने जस्ट क्या बोला अभी? सक्सेसिव रूट्स आर द सक्सेसिव रूट्स आर सर रूट्स ना, हाँ रूट्स रूट्स मतलब इसको रूट्स बोलते हैं उस वर्ड के, सॉरी उस नंबर के करस्पॉन्डिंग जो वर्ड है उसको रूट्स बोलते हैं। The successive roots are put together and the name is ended with IUM. ठीक है, ये देखिए ऐसे पढ़ा दिया मैंने, चाहता तो नहीं पढ़ाता, आप खुद से पढ़ सकते थे। फॉर एग्जाम्पल देखिए कोई एटॉमिक नंबर है 112 है, इसका ऑलरेडी नाम है प्रोडक्ट टेबल में, बट दूसरा भी नाम है आईपीएससी के थ्रू, 112 का नाम क्या हो जाएगा? 1 का रूट क्या है? 2 का रूट क्या है? सॉरी फिर से एक और 1 है, 2 का रूट क्या है? बाई, लास्ट में ईएम, ये नाम हो गया उन उन बाई एम, चाइनीज टाइप नेम है, ठीक है। तो ऐसे देखिए इसका बताइए क्या नाम हो जाएगा, एटॉमिक नंबर 105 का नाम क्या हो जाएगा? उन्निल पेंटियम, हाँ उन्निल पेंटियम, बस ऐसे ही है, ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है। सर ये जो एलिमेंट्स है इनका ऐसा नाम रखने की कोई खास वजह है क्या? अपने नाम पे रख लिया है, एक तो कंट्री के नाम पे है यूरोपियम, वैसा कुछ है वैसा भी नाम है। तो ये प्रॉब्लम है कि लोग अपना मतलब उस एलिमेंट का नाम जो अपना खुद का जागीर समझ लिए, तो आईपीएससी ने क्या कि नहीं भाई ऐसा थोड़े चलेगा, अलग अलग अपने अपने नाम पे रख लोगे तुम लोग, एक काम करते हैं हमारा भी नाम रहेगा, नहीं तो वैसा है जैसे तुम देखोगे कई बार कई शहरों में जैसे नागपुर में भी ऐसा है, कुछ चौक के नाम जो है लोग उसको अलग नाम से बुलाते हैं और एनएमसी के नाम अलग है, अभी ऑब्जर्व किया गया है ना, जैसे ये मैं जा रहा हूँ तो मुझे पता है जैसे एक पास में माटे चौक नदियाँ है ना, ये लक्ष्मी नगर साइड इधर तो माटे चौक है, बट उसका एनएमसी के द्वारा माटे चौक नाम है, उसका नाम है बोझी सत्य चौक। तो वैसे ही दो टाइप के नेमिंग है, एक लोग अपना घरेलू नाम रख दे रहे हैं और एक स्टैंडर्ड नेम बना दिया गया है जो पूरे वर्ल्ड में कॉमनली जाना जाएगा और कोई रीजन नहीं इसमें, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया, चलिए तो इस चैप्टर के दूसरे भाग पे आते हैं हम लोग, जो कि जिसपे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। अब तक जो पढ़ा हम लोग, अगर क्वेश्चन आएगा तो बता दूं पहले मैं, सिर्फ और सिर्फ क्वांटम नंबर पे ही आएगा, ठीक है। हेडिंग दीजिए आप,
पीरियोडिक ट्रेंड इन प्रॉपर्टी अपने को अराउंड अलग अलग प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ना है, वो होता क्या है और उनका ट्रेंड पढ़ना है। ट्रेंड मतलब पीरियड में कैसे घटेगा बढ़ेगा, ग्रुप में कैसे, ठीक है। ये पढ़ना आपने टेंथ से पढ़ा हुआ है, आपने सुना होगा क्या क्या है। एटॉमिक रेडियस सुना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सुना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सुना है, नहीं एटॉमिक रेडियस और आपका एटॉमिक साइज एक ही बात हो गया ना। ओके सर, और क्या सुना है, और कुछ इसके अलावा? करेक्ट, वो भी फिर से अभी है, बस उसका नाम बदल जाएगा, आयनाइजेशन एनर्जी हो जाएगा, एक ही बात है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उसका नाम थोड़ा बदल जाएगा, मेटालिक कैरेक्टर, नॉन मेटालिक कैरेक्टर। हां सर, वो भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी हो गया वो, इन शॉर्ट मेटालिक, वो एक ही बात हो गया। मेटालिक कैरेक्टर मतलब इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी, नॉन मेटालिक कैरेक्टर मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उसका एक्चुअली कंसेप्चुअली सेम है वो, ठीक है। मतलब आप देखिए मैक्सिमम चीजें पढ़ा है, दो नया आ जाएगा टर्म, अब चार आपने बता दिया ना, दो नया आएगा, लैटिस एनर्जी एंड हाइड्रेशन एनर्जी, बस। तो छह अलग अलग प्रॉपर्टीज का ट्रेंड पढ़ना है, ठीक है, बट थोड़ा डेप्थ में, ऐसा डिटेल में टाइम लगेगा अपने, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहला है अपना एटॉमिक रेडियस, कितने टाइप रेडियस है, क्या है, सब पढ़ना है। एटॉमिक रेडियस में लिखिए इफ द डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस, सॉरी It is the distance from nucleus. Distance from nucleus to the outermost electron. To the outermost electron. Or up to point at which, or up to point at which the probability of finding the electron is maximum, or up to point at which the probability of finding the electron is maximum. ठीक है, मतलब क्या हुआ भाई कि न्यूक्लियस से मैक्सिमम दूरी तक इलेक्ट्रॉन कहां तक मिलता है, उसकी दूरी, उसी को हम लोग क्या बोल लेते हैं, उस एटम का रेडियस। क्लियर है, इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा? नहीं सर। नो सर। ठीक है, चलिए। तो अब नेक्स्ट, हाँ बोलिए सर, एक डाउट था। हाँ बोलिए सर, ये जो रेडियस काउंट करेंगे वो न्यूक्लियस के सेंटर से करेंगे कि सरफेस से? देखो एक्चुअल में तो सरफेस कहीं है ही नहीं एटम में, एक्चुअल में ना न्यूक्लियस से कोई शार्प बाउंड्री होता है तो वो सेंटर पॉइंट लेते हैं ना, मतलब वो सेंटर हो सकता है। नहीं 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 सर, ये नंबर ऑफ शेल या सब शेल से होता है क्या डिफाइन? नंबर ऑफ शेल या सब शेल मतलब जैसे नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते गए तो सब, नहीं 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 उससे भी फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि शेल बढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो चार्ज बढ़ेगा तो वो खींचेगा उसको अंदर। ये जनरली मान लो इलेक्ट्रॉन ज्यादा इलेक्ट्रॉन है जनरली ऐसे ही भी आ रहा है तो सेंटर से ले लो, बट कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा ना। तो मान लो ये डिस्टेंस मान लो 10 एंगस्ट्रॉम है, एंगस्ट्रॉम मतलब 10^-10 मीटर के। अब तुमने मान लो, मैंने मान लो यहाँ से ले लिया, किसी ने बोला नहीं सर मैं यहाँ से लूंगा, तो न्यूक्लियस का
रेडियस क्या होता है, उतना ही फर्क पड़ेगा। एरर क्या होगा, एरर एरर क्या होगा, कोई ये मानता है या फिर कोई ये मानता है, एरर क्या होगा, न्यूक्लियस का रेडियस। यस, और न्यूक्लियस का सर आपका म्यूट हो गया, सर आपका म्यूट हो गया। और सर ब्लर भी हो गया। हाँ हाँ ब्लर हो जाएगा। तो कोई अगर ये ले लेगा न्यूक्लियस के बाहर से और मैं ले रहा न्यूक्लियस सेंटर से, तो एरर क्या है, न्यूक्लियस का रेडियस, और न्यूक्लियस रेडियस का ऑर्डर क्या होता है, इससे 5 टाइम्स छोटा होता है ना एटम के रेडियस से, मतलब 5 टाइम मतलब 10 पावर 5 टाइम्स, 100,000 गुना छोटा होता है, ऐड करो इसमें तो ये कैसा हो गया, 1,000,000 में 1 ऐड करना है। समझ रहे हो, मतलब तुमने 1,000,000 में 1 ऐड करना भूल गए, कोई फर्क पड़ेगा क्या? नो सर। जनरली सेंटर से ड्रॉ करते हैं, बट कभी नहीं मान लो अगर ऐसा भी ड्रॉ करूंगा तो कोई फर्क नहीं मानना, ठीक है। सर मेरे को भी एक डाउट था कि ये सब जो वैल्यूज है कि एटम इतना छोटा होता है या उससे इलेक्ट्रॉन इतना छोटा होता है, ये सब अज्यूम्ड वैल्यूज है कि ये प्रूव्ड है? अज्यूम्ड नहीं है, प्रूव्ड है, एक्सपेरिमेंटल। अच्छा तुमको रदरफोर्ड मॉडल नहीं पढ़ा अभी, ठीक है। रदरफोर्ड मॉडल ने ये प्रूव किया एक्सपेरिमेंटल। और सर वो जो रेडियस गिनते हैं उसका भी कुछ प्रूव्ड वे होगा कि वो भी अज्यूम्ड है? हाँ सब कुछ प्रूव्ड है ना, बताते रहो। एटम का रेडियस, न्यूक्लियस का रेडियस, ठीक है, सब सब प्रूव्ड है। न्यूक्लियस का डेंसिटी, न्यूक्लियस का वॉल्यूम, ये सब है, सब है, ठीक है। ओके सर, चलिए। तो अच्छा अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुझे ठीक है, एटम का रेडियस इस ऑर्डर का तो होगा, बट मुझे बताइए क्या एक्सपेरिमेंटली एटम का रेडियस निकालना कैसे पॉसिबल होगा, लोग कैसे निकालते होंगे, ऐसे एटम पकड़ लिया एक, मतलब इसमें एटम है, रिजॉइन करो क्या? कौन बोल रहा है? निवेदित। अच्छा करो करो रिजॉइन। तो एक्सपेरिमेंटली कैसे निकालते होंगे भाई, एक एटम लिया और उसे मेजर कर लिया स्केल पे कितना रेडियस है, क्यों? नहीं सर। नहीं सर। नो सर। कैसे निकालेंगे फिर एटम का रेडियस? सर हमको मतलब जब रदरफोर्ड का मॉडल बेसिक पढ़ाए थे तो उसने बोला था कि उसने जो गोल्ड फॉइल यूज किया था उसकी थिकनेस थी 1 एटम की, तो क्या ये भी एक्सपेरिमेंटली पॉसिबल है कि वो 1 एटम थिक का फॉइल लेके आया? नहीं, अप्रोक्सीमेट था सर वो 100 गोल्ड 100 एटम थिक था ना, गोल्ड को बहुत थिन था, पता नहीं। तो अगर 1 एटम थिक कैसे पॉसिबल है भाई, 1 एटम थिक मतलब कितना हो गया, 10 मतलब 1 एंगस्ट्रॉम का वैल्यू होना चाहिए, मतलब 10^-10 मीटर। तो सर कैसे निकाले होंगे सर रेडियस एक्सपेरिमेंटली भी? बता रहे तो जो लोगों ने एटॉमिक मॉडल पढ़े उनको पता है? नहीं उनको भी नहीं पता है, एटम का रेडियस नहीं पता है, न्यूक्लियस का न्यूक्लियस का रेडियस निकालना क्या है, 10^-15 मीटर, याद है ना वो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। न्यूक्लियस का रेडियस निकाला था रदरफोर्ड, न्यूक्लियस का रेडियस 10^-15 ऑर्डर का होता है न्यूक्लियस रेडियस। तो मतलब एटम का रेडियस होता है 10^-10 ऑर्डर का, और न्यूक्लियस रेडियस 10^-15 ऑर्डर का, मतलब 10^5 गुना छोटा होता है एटम से न्यूक्लियस। तो रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस से निकाला था, एटम को नहीं निकाला था, एटम को किसी को नहीं पता है, ठीक है। चलिए मैं बताता हूँ सर, आप अच्छा एक चीज और थोड़ा रिपीट कर सकते हो क्या? नहीं कुछ बोला नहीं था मैंने, मुझे पता था कि आप नहीं है, मैं जैसे ही बोल रहा था कि एटम का रेडियस कैसे निकालोगे, एक एटम निकाल कर ऐसे स्केल से मेजर कर लोगे क्या एटम का रेडियस? नहीं सर। नहीं
तो वही है, कैसे निकालेंगे फिर अभी आगे बताऊंगा मैं। सर फिर न्यूक्लियस का कैसे? न्यूक्लियस का वो है एक्सपेरिमेंट है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का, एनर्जी कंजर्व करा के निकाला था रदरफोर्ड ने, आपको आगे पढ़ाऊंगा ठीक है। अब क्वेश्चन ये है, अच्छा क्या नेचर में एटम एग्जिस्ट करता है क्या एटॉमिक फॉर्म में? नहीं नहीं। किस फॉर्म में करता है? सॉरी किस फॉर्म में करता है? मॉलिक्यूलर फॉर्म। मॉलिक्यूल हाँ यस, समझ आ रहा है ना, मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स मॉलिक्यूलर फॉर्म में, कुछ एटम फॉर्म में है जैसे हीलियम, हीलियम एच फॉर्म में रहता है, क्यों इनर्ट गैस है किसी से रिएक्ट नहीं करता। गोल्ड, गोल्ड किसी से रिएक्ट करता है क्या? नहीं। प्लैटिनम, कुछ एलिमेंट्स है जो एटॉमिक फॉर्म में ही है, बट 99% ऑफ द एलिमेंट्स क्या रहते हैं? कंबाइंड फॉर्म में रहते हैं। कंबाइंड फॉर्म में है तो वो तो बन गया मॉलिक्यूल, अपने को निकालना टारगेट क्या, एटम का रेडियस। अब कैसे करें भाई, और प्रॉब्लम आ गया है ना, बताता हूँ मैं तो लिखिए आगे, नेक्स्ट टाइम पैराग्राफ चेंज करके। बट इट इज डिफिकल्ट टू मेजर दी, सर वो एटॉमिक रेडियस में कंटिन्यू करना है। हाँ नेक्स्ट लाइन से उसी में पैराग्राफ चेंज करके, बट इट इज डिफिकल्ट टू मेजर दी एटॉमिक रेडियस It is difficult to measure the atomic radius since atoms are always present in their compound form. Atoms are always present in their compound form. Full stop. Next sentence likhe. Four kind of atomic radii. Radii जो है radius का बहुवचन होता है। बहुवचन पता है ना? एक वचन बहुवचन। Four kind of atomic radii are measured for any atom. Are measured for any atom. Sir, फिर से repeat करो ना four kind वाले के बारे में. Four kind of atomic. Sorry. Four kind of atomic radii are measured. कि थोड़ा थोड़ा और tenth class नहीं हो गया है? है? एक्चुअली अभिषेक सर का नेटवर्क का इश्यूज थे, उन्होंने बोला कि आफ्टरनून में सही चलता नेटवर्क, तो इसलिए आज ऐसा हो गया। बट मेरी बात हुई उनसे, मैंने बोला कि सर अगर ज्यादा इश्यूज है तो आप डोंगल ही ले लीजिए अलग से, डेडिकेटेड नेट के लिए डोंगल। मैं आप लोगों को भी सजेस्ट करूंगा यही, क्योंकि भाई अगर, क्योंकि देखो जो है सो है, फोन कंप्यूटर डोंगल ही सब कुछ है अभी, इंटरनेट वो नहीं तो लोग भी नहीं। हम लोग एक घंटा बैठे थे मीटिंग पे विदाउट सर, हम बैठे थे वेट ही कर रहे थे कब आते सर। हाँ मैं उस समय सर के कॉन्टेक्ट में था, मेरी बात भी हुई सर से, तो दो दिन से वेदर बहुत खराब हो गया, तो बोले कि नहीं हो पा रहा है, तो फिर बात थी, मैंने उन बोला कि अगर ये प्रॉब्लम परसिस्ट करता तो फिर ज्यादा से अपन डेडिकेटेड नेट के लिए एक हॉटस्पॉट आता ना 4G हॉटस्पॉट वो ले लेते हैं ठीक है, उससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा काफी हद तक। अगर बहुत ही वेदर कुछ रहता है इश्यूज तो फिर वो भी काम नहीं करेगा हालांकि, बट बहुत ऐसा होगा नहीं, वो एक इश्यू है। तो वाईफाई लगाने बोल दीजिए, वाईफाई से तो वेदर से फर्क नहीं पड़ता है। नहीं नहीं भाई अच्छा ये वायर्ड वाला बोल रहे, वायर्ड कनेक्टेड वाईफाई वायर्ड के लिए बोला मैंने,
वायर्ड के लिए जैसे जियो का जैसे उनके यहाँ पे सही चलता है, तो जियो फाइबर है आज के डेट में बेस्ट। हाँ जियो फाइबर 1 GB पे देता है स्पीड, नहीं वो मैक्सिमम। हाँ वो मैक्सिमम है उसका। हाँ सर, वो नॉर्मल लोगों के लिए नहीं है वो। हाँ नॉर्मल लोगों के लिए नहीं है वो, कमर्शियल अगर आपका सेटअप है और उतना यूजेज है तब वो आपको देंगे। उसके चार्जेस बहुत ज्यादा, हालांकि उतना नीड नहीं अपने को। हाँ सर, एक सिटी वाईफाई नाम का है, वो अच्छा देता है, मेरे को रिसेंट में लगाना पड़ा ऑनलाइन क्लासेस के पीछे, तो काफी अच्छा है और सस्ता भी है। कौन सा कौन सा? सर सिटी वाईफाई, पर SITI। SI, हाँ 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 सुना है मैंने। UCN का भी आता है, सिटी का भी आता है। आप नागपुर के हैं क्या हमें? हाँ सर। हाँ नागपुर में चलता हो सिटी वाई, पता मुझे। तो हम लोगों ने जियो फाइबर भी लगवा चुके हैं, बट जब लगवाया जियो फाइबर तो उसके 2-3 महीने बाद ही, एक ही 2 महीने बाद नागपुर में जियो का जो टावर था उसका ही प्रॉब्लम आ गया, और वो 1 मंथ रहा, लास्ट लगवाया था 1 महीने तक खींचा प्रॉब्लम, तो फिर हमने बंद करवा दिया, मतलब उन्होंने खुद ही बंद कर दिया सर्विस। सर एयरटेल एक्सट्रीम भी आने वाला है? हाँ एयरटेल एक्सट्रीम, अभी मैं जैसे मेरा नेटवर्क एयरटेल का, तो अभी नागपुर तो एयरटेल बेस्ट है, एयरटेल जियो। आइडिया का बहुत प्रॉब्लम चल रहा है, आइडिया वोडाफोन का, जब से मर्जिंग हुआ उनका उनको बहुत प्रॉब्लम हो रहा है उनका। हाँ सर, वो बफर खत्म होते करते करते पूरा लेक्चर खत्म हो जाएगा। तो हाँ, तो अभी जो है वो जियो और एयरटेल है, दो ही प्लेयर है मार्केट में, तो इन्हीं का आप देखो, इन्हीं का सहारा है। तो नहीं वो भी मेरी बात हुई, मैंने बोला कि अगर या तो अगर देखो, लेकिन जियो फाइबर हर जगह नहीं लग सकता, जहाँ पे उनका वायर पहुंचा है वहीं पे देना लगा के। हाँ जहाँ पे उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है वहीं पे लग सकता है। तो उनको मैंने बोला कि पता करिए, कल का दिन संडे है तो टाइम है, तो सर बोले ठीक है, एक दो दिन मंडे तक करते हैं। और सर का एक और थोड़ा सा कि सर वो दूसरे आईडी से लेके जो 40 मिनट बाद बंद हो जाता है, तो अभी वो एलिमेंट्स के आईडी से लेंगे, कंटिन्यू करेंगे, ये छोटे छोटे जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएंगे मंडे तक, ठीक है। तो ये फिर अपन, अच्छा दूसरी चीज और है, अपन मॉर्निंग में लेक्चर रखे क्या, खत्म करें मॉर्निंग में? हाँ बेटर रहेगा, क्योंकि इवनिंग में रखने का रीजन ये था कि आप लोग के बैचेस अलग अलग थे, ठीक है, शुरू में तो वो 2 लेक्चर होता था, फिर मॉर्निंग में हमारे 12 लेक्चर ऑलरेडी चलते हैं। अच्छा मॉर्निंग में थोड़ा अक्षर सर प्रॉब्लम ये जाता है कि अक्षर सर 12 में जनरली 3 घंटे के लेक्चर लेते हैं लगातार, 7:30 से 10:30 सुबह मॉर्निंग में, 12 के लेक्चर चलते हैं 7:30 से 2, सुबह 7:30 से 2 4 लेक्चर चलते हैं विथ हाफ एन आवर ब्रेक। तो अब प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि 7:30 से 10 के बाद बैटरी डाई हो जाता है पूरा, है ना। तो अगर उनको अक्षर सर लेक्चर 11 बजे से रहा तुरंत, तो उनको थोड़ा मुश्किल हो जाएगा अभी, क्योंकि फोन और लैपटॉप पे डिपेंडेंट है। एक वो इश्यू है सर, हम लोग का बात चल रहा है कि मॉर्निंग में ही हम लोग कोशिश करते हैं, अभिषेक सर का भी कहना था कि मॉर्निंग में ही इसको कुछ तो करके अगर ले लें तो 12th-11th पैरेलल में खत्म हो जाएगा। हमारे पास 2 ID ऑलरेडी है एलिमेंट्स के लाइसेंस वाले, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो ये देखिए, एक मंडे ट्यूजडे तक कोशिश करते हैं इसको स्ट्रीमलाइन करने का, मॉर्निंग में ही खत्म करते हैं। तो क्या होता है, क्योंकि लेक्चर की वजह से आप मॉर्निंग का टाइम थोड़ा बहुत तो वेस्ट होता ही है, आप दोपहर में लेक्चर है वेट कर रहे हैं, अब होगा या कब होगा, मॉर्निंग हो जाएगा तो आपका पूरा दिन खाली रहेगा, टारगेट हो जाएगा इतना होमवर्क, ठीक है वो अच्छा भी रहेगा, ठीक है। चलिए कोशिश करते हैं मॉर्निंग का, नेक्स्ट वीक से पर्टिकुलर चेंजेस ला देंगे हम लोग, ठीक है। चलिए ये थोड़ा दोपहर का टाइम, क्योंकि देखो बॉडी को आदत नहीं था इस टाइम पे लेक्चर लेने का, मेरा मैं अपनी बात कर रहा हूँ, लेक्चर इवनिंग में रहता था या फिर मॉर्निंग में लेता था मैं, अब आफ्टरनून होने से बॉडी आज थोड़ा चेंज को अडेप्ट करने में थोड़ा है ना, वहां से वहां से यॉर्निंग आ रहा है। चलो कोई बात नहीं, लिखिए 4 kinds of atomic radii एटॉमिक रेडियाई आर मेजर्ड फॉर एनी एटम, फॉर एनी एटम एंड दीज आर एंड सर एंड दीज आर कोवेलेंट रेडियस,
वंडर वॉल्स रेडियस, ये साइंटिस्ट का नाम है वंडर वॉल, ये साइंटिस्ट नाम है वंडर वॉल, वंडर वॉल्स रेडियस सर वो डब्ल्यू ओ है कि डब्ल्यू ए है? हाँ वही डब्ल्यू ए है, डब्ल्यू डब्ल्यू डबल ए एल, वैन एक्चुअली अलग नाम है, वैन डर वॉल वो अलग अलग है, मैंने एक ही साथ लिख दिया है, उसको थोड़ा इंडियन टच दे रहा हूं मैं तो, हाँ इसके बाद है मेटालिक रेडियस मंडे से क्लास लास्ट अलग रहेंगी, क्या बोल रहे हैं नहीं सुना दिया, कोई कुछ बोला सर? मेरी मंडे से क्लास अलग से रहेंगी क्या पूछा? कौन बोल रहा है? निवेदित नहीं, क्लास अलग से क्यों रहेगी मतलब नहीं समझा मैं, आप बोले ना जब कि और दो जने, अच्छा अच्छा नहीं नहीं उन दोनों लोग को भी एक्स्ट्रा लेक्चर ले लूंगा मैं अलग से, बट आपका ये जो लेक्चर से रूटीन यही चलेगा, ये आपका रेगुलर लेक्चर चलेंगे, कुछ हो सकता है मैथ में भी फिजिक्स में भी केमिस्ट्री में भी एक्स्ट्रा लेक्चर चले आपका अलग से उन लोगों के साथ, ठीक है वो अलग से चलेगा, ठीक है मंडे या ट्यूजडे जो भी, ठीक है ये जो चल रहा है इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। ओके सर। अब देखिए आप लोगों ने टेंथ में पढ़ा होगा कोवेलेंट बॉन्ड आयनिक बॉन्ड पढ़ा है? Yes, दो अभी नया आ गया, वान डर वाल रेडियस और मेटालिक रेडियस। देखिए जो रेडियस निकाल रहे हम लोगों ने अलग अलग टाइप के, इनके नाम कैसे पढ़े देखिए, अगर दो एटम्स कोवेलेंट बॉन्ड अगर आपस में जुड़े हुए हैं तो उन एटम्स का रेडियस निकालेंगे, उसको नाम क्या दे दिया? कोवेलेंट रेडियस। समझ में आया? दो एटम अगर आयनिक बॉन्ड से जुड़े हैं तो उन दो एटम्स का रेडियस निकालेंगे तो उसको नाम क्या दे देंगे? आयनिक रेडियस। ठीक है, इसका मतलब ये जो पहले नाम है कोवेलेंट वान डर वाल मेटालिक आयनिक, ये क्या है बेसिकली? टाइप्स ऑफ बॉन्ड। ठीक है, तो जैसा बॉन्ड है वैसा नाम दे दिया गया। क्लियर है? चलिए तो एक एक करके पढ़ना है हमें सब। पहला हेडिंग दे दीजिए कोवेलेंट रेडियस। सर फोकस चला गया। कोई बात नहीं आ जाएगा, आप लिख लीजिए कोवेलेंट रेडियस, ये वाला लिख लिया ना चारों टाइप्स रेडियस। हाँ सर। हाँ तो अब नया एडिंग दे दीजिए, फर्स्ट पॉइंट कोवेलेंट रेडियस। अच्छा कोवेलेंट रेडियस पढ़ने से पहले कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता था? जब दो एटम्स अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं तब वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। हाँ हाँ, जब इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड बने तो उसको क्या बोलते हैं? कोवेलेंट। राइट, कोवेलेंट। ठीक है, तो कोवेलेंट रेडियस में लिखिए कोवेलेंट रेडियस ऑफ एनी एलिमेंट। सर पॉइंट वाइज है क्या? क्या पॉइंट वाइज लिखना है कि कैसी पैराग्राफ? नहीं नहीं नहीं, कोवेलेंट रेडियस का डेफिनेशन है। Okay, पहला हम लोग पढ़ रहे हैं कोवेलेंट रेडियस, और ये कोवेलेंट कोवेलेंट रेडियस का उसके सामने से लिखिए ना, डेफिनेशन जैसे लिखते हैं अपन। यस यस। कोवेलेंट रेडियस ऑफ एनी एलिमेंट इज टेकन टू बी कोवेलेंट रेडियस ऑफ एनी एलिमेंट इज टेकन टू बी one half of the internucleus distance, one half of the internucleus distance
फुल स्टॉप। अच्छा क्या लिखा, वन हाफ ऑफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, अच्छा उसी में आगे लिख लीजिएगा, इन द होमो न्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल, लिख रहा हूं मैं, इन द होमो न्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल, दो टाइप होते हैं होमो न्यूक्लियर और हेट्रो न्यूक्लियर, क्या समझते हैं आप इससे, नाम से मालूम चलता है होमो न्यूक्लियर हेट्रो न्यूक्लियर, सेम थ्रू आउट, और वो मतलब होमो इज प्योर, जैसे हम टू सॉल्यूशन को होमोजेनस सॉल्यूशन बोलते हैं, ऐसा कुछ कनेक्शन है सर इसका, ऐसा ही कनेक्शन है ऑब्वियस ही बात है, बट न्यूक्लियस के टर्म में क्या बोले, न्यूक्लियस के टर्म में पहुंच गया थोड़ा सा, और न्यूक्लियस की डेंसिटी सेम थ्रू आउट है, डायटोमिक मॉलिक्यूल मतलब दो एटम से बना है मॉलिक्यूल, हाँ, और वो दोनों एटम का न्यूक्लियस क्या हो, सेम, यस को क्या बोलेंगे, होमो न्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल, एग्जांपल बताइए जल्दी से कोई, O2, H2, N2, F2, बहुत सारे, हेट्रो न्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल कौन से क्या हो जाएंगे फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे, CO, CO, HCl, HF, NO, CO2, ठीक है, चलो, तो अगर होमो न्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल है, दोनों एटम अगर सेम है, ए एटम, तो देखो क्या होगा, एक्सपेरिमेंटली देखना, मैं ये बता रहा हूं कि कैसे निकालते हैं रेडियस, कोवलेंट बॉन्ड ऐसे बनेगा, ओवरलैपिंग ऑफ एटम होता है, थोड़ा सा बॉन्ड बनता है, ठीक है, दोनों एटम का साइज एक्चुअली सेम, मैंने ये जो थोड़ा छोटा बन गया, ठीक है, साइज सेम है, दोनों एटम सेम है, ए और ए एटम, तो एक्सपेरिमेंटली जो है बहुत सारे मेथड्स है, एक्सपेरिमेंटली हम लोग जो निकाल पाते वो ये निकालते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस इन कोवलेंट केस, अब ये कैसे निकालते हैं न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस, एक्सपेरिमेंटरी मेथड से, जैसे एक है एक्सआरडी है, एक्सआरडी क्या होता है, एक्सरे डिफ्लेक्शन मेथड, ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है इंजीनियरिंग में, वैसे तो फोकस क्या वीडियो था, फोकस चला गया, एक्चुअली इसमें ये प्रॉब्लम क्यों होता है मैं बता रहा हूँ आप लोग को, जूम ऐप जो है वो हमारे कैमरा को कंट्रोल करता है, तो अब वो क्या होता है कि उस चक्कर में जो है मतलब पता नहीं इनका क्या प्रॉब्लम है, वो कंट्रोल उतना अच्छा नहीं है, फोकस जाता है तो ऑटोमेटिक, जब हम लोग जैसे कैमरा कहीं फोटो खींचते हैं तो ऑटोमेटिक फोकस करता है ना, यस बट ये जूम ऐप उस कैमरा से हमारे कैमरा से ऑटोमेटिक फोकस नहीं करा पाता है, वो फोकस गया तो गया, ऐसा हो जाता है सर, एक कैनवस नाम का प्लेटफॉर्म है, आप एक बार उसको ट्राई करके देखिए, मतलब उस पर काफी फैसिलिटीज है ऐसी सब चीजों के लिए, मतलब आप होमवर्क डाल सकते हैं विद डेडलाइन, लेक्चर्स उस पर दे सकते हैं, तो काफी कन्वीनियंट प्लेटफॉर्म है कैनवस नाम का, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स भी अच्छा है, लैपटॉप पे नहीं ले सकते उसको सर, कैनवस हर जगह चलता है, माइक्रोसॉफ्ट टीम, हाँ सर वो भी अच्छा है, माइक्रोसॉफ्ट टीम भी अच्छा है, पर आपको कैनवस कैसा वर्ल्ड वाइड प्लेटफॉर्म है तो वो आप बहुत मतलब अच्छा है इसका, चलो चलो ठीक है, उसका यही फीलिंग हो ना कैनवस, CANVAS, हाँ सर ठीक है, और सर उसके मॉड्यूल्स है कि कैनवस स्टूडेंट, कैनवस टीचर ऐसा, अच्छा ठीक है ठीक है, चलो मैंने एक और भी ट्राई किया था हम लोगों ने, ये वेबेक्स है क्या उसका नाम, हाँ सर सिस्को वेबेक्स, सिस्को वेबेक्स हाँ सर, हाँ तो वो भी है, गूगल मीट भी ट्राई किया हुआ है,
गूगल क्लासरूम भी ट्राई किया हुआ है, तो उसमें जूम तो ठीक ठाक है फिलहाल, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम तो नहीं आता इसमें भी, है ना। नेटवर्क अगर सही है तो फिर सब सही चलता है, फिर वो भी ट्राई करते हैं। चलो तो XRD क्या हो गया, एक्स रे डिफ्रेक्शन मेथड, एक है पाउडर मेथड है, वो पाउडर मतलब पाउडर फॉर्म में लेते हैं को, तो पाउडर मेथड बोलते हैं, बट वो भी XRD पे भेजते हैं। तो और भी है एक्सपेरिमेंटल मेथड तीन चार। सॉरी XRD क्या है? एक्स रे डिफ्रेक्शन, डिफ्रेक्शन DIFFRAC। और सर इसमें करते क्या है? इसमें क्या करते हैं, जब XRD करते हैं ना, तो जो हमारे पास सेक्शंस होता है ना, उसमें न्यूक्लियस दिखता है, न्यूक्लियस एज ए डॉट, ब्लैक डॉट दिखेंगे, इलेक्ट्रॉन्स नहीं दिखता, एटम्स का बॉन्डिंग नहीं दिखेगा, न्यूक्लियस दिखेगा, डॉट डॉट डॉट। तो क्या करेंगे, मतलब माइक्रोस्कोप के थ्रू की नेकेड है? नहीं, हम लोग के बॉडी की कैपेबिलिटीज बहुत कम है एक्चुअली, है ना। हम लोग जैसे बोलते हैं कि भगवान है तो दिखते क्यों नहीं, अरे भाई भगवान है, बट हमारे बॉडी को उस लायक बनाना पड़ेगा ना कि भाई दिखे, कैपेबिलिटी बनानी पड़ेगी ना। अब जैसे बहुत सारी चीजें हैं, जैसे बहुत सारे एग्जांपल, छोड़ो इसमें नहीं जाता मैं भी जाने में। चलो ठीक है, XRD करेंगे तो उसमें न्यूक्लियस दिखेगा, तो न्यूक्लियस दिखेगा तो अपन सॉफ्टवेयर में कोडिंग कर देंगे, जो डॉट्स आएंगे उनके डॉट्स भी क्या दे देगा, डिस्टेंस दे देगा वो, तो दो डॉट्स के बीच। हाँ बोलिए। तो मतलब ये मेथड बहुत रिसेंट का है, क्योंकि ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप तो रिसेंट टाइम्स में हो सकता है। नहीं नहीं, ये सॉफ्टवेयर नहीं, सॉफ्टवेयर से सिर्फ मैं ये हेल्प ले रहा हूँ कि वो डॉट्स के बीच का डिस्टेंस बता दे। मेथड पुराना है। देखो अभी क्या होता है, जितने भी ओल्ड मेथड थे, आपको भी जो सेपरेशन टेक्निक्स मेथड है, क्रोमेटोग्राफी है, HPLC है, बहुत सारे मेथड थे, वो पहले भी करते थे, स्पेक्ट्रोस्कोपी है, पहले भी करते थे, अभी भी करते हैं। अब क्या कर दिया उसमें, कंप्यूटराइज कर दिया ऑटोमेटिक, आपने सैंपल डाला और पूरा कंप्यूटर पे उसके रीडिंग ग्राफ सब आ जाएगा। नहीं, पहले भी ऑफिस में लोग अटेंडेंस बनाते थे, अटेंडेंस खाता, वो स्केल से लाइन खींच के पहले भी करते थे, आज ये सॉफ्टवेयर में हो गया, है ना। तो मेथड पुराना है, मेथड नया नहीं है, मेथड पुराना, इसमें सॉफ्टवेयर का हेल्प लेके, कंप्यूटर हेल्प लेके उसको ऑटोमेटिक कर दिया है, जो हम लोग मैनुअल करते थे वो ऑटोमेटिक कर दिया। तो ये दो न्यूक्लियस के बीच का क्या आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा। yes, में क्या बोला, डिस्टेंस ऑफ कोवेलेंट, डिस्टेंस इन कोवेलेंट के DC, अगर मेरे को रेडियस निकालना है इसका, तो मैं अप्रोक्सीमेटली DC का हाफ कर दूंगा। ओवरलैप करता है, कोई शार्प बाउंड्री नहीं होती है, तो एक ऐसा ओवरलैप करता है, तो अप्रोक्सीमेटली मैं जो न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस आएगा उसका अगर हाफ कर दो तो क्या मिल जाएगा मुझे, कोवेलेंट रेडियस। सिंपल, देखिए DC को बोलते हैं इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, और RC क्या हो जाएगा, कोवेलेंट रेडियस। ठीक है, ये तो तब तक ऐसा जब दोनों एटम सेम है,
अब थोड़ा सोच के बताओ, मान लो दोनों एटम अलग अलग है, हेट्रो न्यूक्लियर, क्या हेट्रो न्यूक्लियर में भी ये फॉर्मूला काम कर पाएगा क्या? नो सर। नहीं ना? नो सर। यस। कुछ सोच के देखो, नहीं कर पाएगा? यस। एक जैसे टेनिस टेबल टेनिस सॉरी टेनिस बॉल ले ले, हरा वाला जिसका हम लोग खेलते क्रिकेट, और ले ले फुटबॉल, उन दोनों को आपस में कॉन्टेक्ट करा दिया, पूछा जाए बताओ रेडियस क्या है, दोनों के न्यूक्लियर सेंटर से डिस्टेंस लगे हाफ कर दो तो आएगा क्या रेडियस? कुछ सोच के देखो सर। ठीक है, तो दोनों सेम है तो ठीक है, हाफ करने से आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली, बट अलग है तो उस केस में अलग फॉर्मूला है, तो लिखिएगा ये ऐसा लिखने वाला लिखिएगा। सर एक सर वो XRD को कैसे डिफाइन करेंगे? डिफाइन मतलब मेथड क्या है? यस मतलब मुझे वो लिखना है कि क्या XRD मतलब कैसे लिखूं? नहीं मत लिखिए अभी, आप फिलहाल जाने दीजिए, वो अपने सिलेबस में नहीं है एक्चुअली। ठीक है, XRD स्पेक्ट्रोस्कोपी सिलेबस में नहीं है। पाउडर मेथड भी है, एक्सपेरिमेंटल मेथड तो सिलेबस में नहीं, सिर्फ ये बता दिया कि उसके हेल्प से न्यूक्लियस का डिस्टेंस निकालते हैं उस मेथड के लिए। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट लाइन से, व्हेन टू डिफरेंट एटम्स आर covalently bonded then the equation is equation लिख लो। बता रहा हूं टर्म्स क्या क्या है। सर 0.09 के बाद क्या लिखा है? एक्स काई, वो एक्स नहीं है एक्चुअली, वो ऐसे एक्स को देखा होगा आपने शायद, ऐसा की तरह दिख रहा है। हाँ एक्स की तरह दिखता है, एक्स नहीं, उसको पढ़ते हैं, लिख लीजिएगा वहीं पे, उसको पढ़ते हैं काई, KII काई। तो वो होता क्या बेसिकली, वो लिख दे रहा हूं मैं, काई AB इज बेसिकली डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A and B atom. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आगे इसी चैप्टर में पढ़ाऊंगा, मतलब आगे अभी। ठीक है, फिलहाल के लिए देख लीजिए बस फॉर्मूला। इस फॉर्मूले के नाम है स्टीवेंसन शूमेकर इक्वेशन। RA RB क्या है? RA का रेडियस अलग से निकालना पड़ेगा, RB का रेडियस अलग से। ठीक है भाई, A और B, अगर AB बना है, AB तो शुरू से नहीं बना था, पहले A रहा होगा और B भी रहा होगा, नहीं ऐसा A रहा होगा, देखो समझा ना मैं क्या बोल रहा हूँ, ए बी तो ए और बी भी मिलकर बना है ना। यस मतलब ए मॉलिक्यूल आया, बी बी मॉलिक्यूल आया, आपस में रिएक्ट हो और ए बी बन गया, तो ए ऐसे अलग से रहा होगा, तो ए का जो ये निकालेंगे रेडियस, यही क्या होगा, आर ए हो गया। देखो तो यस यही आर ए हो गया, वैसे बी बी का अलग से रहा होगा, डायटोन मॉलिक्यूल, वहां से आर बी निकालेंगे,
तो आर ए अलग से निकाला हुआ है उसके ओरिजिनल केस से, आर बी अलग से निकाला उसके ओरिजिनल केस से, वो दो वैल्यू ध्यान रखना है। कोई पूछ सकता है ना कि सर हमें यही नहीं पता तो मैं आर ए कैसे निकालूंगा, सोचिए। कोई पूछ सकता था कि सर मुझे डी ए भी ही नहीं पता, मुझे मतलब मेरे को यही नहीं पता तो आर ए कैसे निकालूंगा, तो आर ए इसके इनिशियल केस से निकालना पड़ेगा। आर बी बी भी जो होंगे आइटम दो, ठीक है, तो यहां से क्या निकालना पड़ेगा मेरे को, आर बी डी बी बाई टू। वैसे ये आर ए हो गया, ए के लिए आर ए, बी के लिए आर बी, ये आर ए आर बी वैल्यू यहां पुट करना पड़ेगा। काई क्या है, तो डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बिटवीन द आइटम ए एंड बी। सेम आइटम के लिए इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस क्या हो जाता है, जीरो, जीरो। सेम है तो वैल्यू सेम होगा, बट दो अलग अलग है तो कुछ तो वैल्यू आएगा, तो एक जो है तो जितना होना चाहिए तो उससे कम वैल्यू आएगा, देखिए माइनस है ना, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, तो अट्रैक्शन होगा तो न्यूक्लियस न्यूक्लियस अगर ए और बी अट्रैक्ट करेंगे तो न्यूक्लियस न्यूक्लियस का डिस्टेंस बड़ा होगा कि छोटा होगा। क्वेश्चन रिपीट कीजिए। हाँ हाँ, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से बेसिकली क्या होता है, अट्रैक्शन होता है उसके लिए। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अगर वैल्यू है कुछ ना कुछ, ए और बी के बीच में अगर अट्रैक्शन है तो ए और बी के न्यूक्लियस का डिस्टेंस ज्यादा होगा या कम होगा, कम कम होगा, कम होगा। साइन क्या लगाया गया है, साइन क्या लगाया गया, माइनस माइनस माइनस, ठीक है। कंसेप्चुअली आगे मैं आप खुद ही समझ जाएंगे जैसे जैसे टीच करूंगा, फिलहाल के लिए इतना बता दिया, ठीक है। ये बहुत कम यूज होगा ये भी बता दे रहा हूँ मैं, बहुत कम आपसे पूछा जाएगा, ये कभी भी आपको न्यूमेरिकल नहीं आएगा, कभी न्यूमेरिकल नहीं आएगा, ये जो पढ़ा रहा हूँ ये कभी नहीं आपसे पूछा जाएगा। दिस इज जस्ट टू एक्सप्लेन द कंसेप्ट, जो पूछा जाएगा वो ट्रेंड पूछा जाएगा, साइज कैसे बढ़ता है कैसे घटता है वो तो ठीक है पढ़ ही लेंगे हम लोग, मैं बहुत बेसिक से पढ़ा रहा हूँ कैसे निकालते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मेटालिक रेडियस, कोलेंट रेडियस में तो कोलेंट बॉन्ड का आपको आइडिया था थोड़ा बहुत, कोलेंट बॉन्ड, बट आपको मेटेलिक बॉन्ड का आइडिया नहीं है बिल्कुल, ठीक है। वो ट्वेल्थ में है, मतलब मेटेलिक बॉन्ड के दो कंसेप्ट है एक्चुअली, कि मेटेलिक बॉन्ड बनता कैसे, एक कंसेप्ट ग्यारहवीं में है एक कंसेप्ट बारहवीं में है। मेटेलिक बॉन्ड में जनरली कंसेप्ट ऐसा है कि वो मेटल एडजस्टेंटली प्लेस्ड होते हैं, एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस अट्रैक्ट करते हैं। देखिए बता रहा हूँ, ये मेटल है, ये मेटल है, ठीक है, दो एटम है, इनमें ये कंसेप्ट है कि इस एटम के इलेक्ट्रॉन इसके न्यूक्लियस से अट्रैक्ट होंगे और इस एटम के इलेक्ट्रॉन इसके न्यूक्लियस से अट्रैक्ट होंगे, अल्टरनेट, समझ में आता है ना। हाँ सर। भाई बॉन्ड कैसे बनता है, इसके इलेक्ट्रॉन इसके न्यूक्लियस से अट्रैक्ट हो रहा है, माइनस प्लस इलेक्ट्रॉन माइनस ये प्लस, और इसके इलेक्ट्रॉन माइनस ये प्लस अट्रैक्ट होते हैं आपस में, right. तो यहाँ पे भी एक्सपेरिमेंटली जो है डी एम निकाल लेंगे, मतलब डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस इन मेटालिक बॉन्ड, तो आर एम क्या हो जाएगा, मेटालिक रेडियस डी एम बाई टू अप्रोक्सीमेटली। यस सर। ज्यादा कुछ नहीं है, मतलब वही है, देखो एक बार पहला कंसेप्ट में टाइम लगता है, उसके बाद तो जल्दी जल्दी होने लगेगा, तो इसको ड्रॉ कर लीजिए मेटल रेडियस में, और उसके बाद लिखिएगा लिखिए मेटालिक रेडियस इज डिफाइंड एक मिनट न
metallic radius is defined as half of the internuclear distance as half of the internuclear distance half of the internuclear distance separating two adjacent metallic atom in a metallic lattice. In a metallic क्या sir? लिख दे रहा हूँ, थोड़ा इसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा आपको सर, वो रिपीट करना है एक बार। कहाँ से छूट गया आपका सर? सेपरेटिंग के बाद। सेपरेटिंग टू एडजेसेंट मेटालिक एटम इन अ मेटालिक लैटिस। ना कि लैटिस एनर्जी भी नया आएगा तो वो यही है लैटिस, पर लैटिस एनर्जी अलग है, लैटिस अलग चीज कंसेप्ट है। मेटालिक लैटिस, लैटिस क्या होता है? किसी भी मेटल का, देखो जनरली मेटल का क्रिस्टलाइन सॉलिड और उनका एक फिक्स्ड बेसिक स्ट्रक्चर होता है, मूलभूत ढांचा। एक बिल्डिंग का आरसीसी बनाते हैं, कॉलम्स और वो पूरा वो सब, मूलभूत एक मूलभूत ढांचा फिक्स होता है। ऐसा नहीं कि रैंडम होता है, कहीं पिलर दे दिया कहीं भी वो चला गया, ऐसा होता नहीं है। नो सर। वैसे ही मेटल्स का भी, जनरली मेटल्स का नहीं बोलना सही है, जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड नेचर में पढ़ेंगे आप ट्वेल्थ में, बहुत बाद में हो, क्रिस्टलाइन सॉलिड मतलब उनमें मेटल्स भी आते हैं, तो इन सब्सटेंसेस का एक बेसिक लैटिस होता है, मूलभूत ढांचा होता है, ठीक है, उसको लैटिस बोलते हैं, ठीक है। थर्ड लिखे वंडरवॉल रेडियस, सर इस पे क्वेश्चन कैसे पूछेंगे? क्वेश्चन इस पे तो जनरली मैं पहले बोले नहीं आता है। नहीं आता क्वेश्चन ट्रेंड पूछेगा, ये मैं आपको बेसिक कंसेप्ट पढ़ा रहा हूँ। ओके सर। या ज्यादा ज्यादा बाउंड्री वाले पूछते, जनरली बता रहा हूँ मैं कैसा पूछेगा। पहले ये लिख लीजिए, देखिए देखिए, सम ऑफ द वंडर वॉल्स रेडियस, सम मतलब SUM, एडिशन, SUM, सम ऑफ द वंडर वॉल्स रेडियस is the shortest distance between two adjacent atoms of the solid compound in which they are not bonded to each other थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है इस डेफिनेशन, एक और इस डेफिनेशन इजी वाला और करके लिखे, और एक और इस डेफिनेशन लिखे, हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन
two non-bonded atoms. Half of the internuclear distance between two non-bonded atoms or inert gases. Atoms or inert gases. Yes. समझ में आया क्या? अब तक पढ़ रहे हैं कि जहां बॉन्डेड है, जहां बॉन्डिंग है उसके बीच का है न्यूक्लियस की दूरी. बट कई ऐसे केस है जहां पे बॉन्ड नहीं होता. बेसिकली बॉन्ड मतलब स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, बहुत वीक अट्रैक्शन होता है. तो वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का ही दूसरा नाम है वान डर वाल्स अट्रैक्शन, वान डर वाल्स फोर्स. और जहां पे वान डर वाल्स फोर्स है, जहां पे वान डर वाल्स फोर्स है उस केस में जो रेडियस निकालेंगे उसी को वान डर वाल बोलेंगे रेडियस. फॉर एग्जाम्पल हीलियम एटम आपस में बॉन्डेड होता है, हीलियम एटम नहीं सर, कोई बॉन्ड नहीं होता है हीलियम, नहीं होता नो सर. हीलियम एटम क्या होता है, सब सब फ्री होता है, अलग अलग होता है, राइट सर. बट फिर भी हीलियम में कुछ तो आसपास मतलब आसपास आते होंगे ना, ऐसे कुछ तो होगा ना अट्रैक्शन. यस यस सर, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन नहीं बट वीक तो होगा. तो दो नॉन बॉन्डेड एटम में, दो नॉन बॉन्डेड एटम के बीच का डिस्टेंस निकाल लीजिए. और इसका हाफ कर दीजिए, क्या मिल जाएगा? दो नॉन बॉन्डेड एटम है, नॉन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स भी. फॉर एग्जाम्पल मुझे बताइए, जैसे मिथेन गैस है, तो एक मिथेन दूसरा मिथेन आपस में कोई बॉन्ड से बॉन्डेड होते हैं क्या? नो सर. नहीं, नो सर. मिथेन के अंदर बॉन्ड होता है, मिथेन के अंदर बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड सी और एच के बीच में, CH4 में. तो ये एक मिथेन लीजिए मॉलिक्यूल, ये दूसरा मिथेन, आपस में कोई बॉन्ड होता है क्या? नहीं, फ्रीली घूमते हैं, गैसेस पार्टिकल्स है, बट उनके बीच में बिग वान डर वाल्स फोर्स होता है. Right, तो मिथेन हो गए, या कोई H2 ले लीजिए, H2 बना लीजिए, H2 ऐसे, ये H है, ये H है, ये H है, ये H है, ये H2 एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, दूसरा भी H2 है. H2 में तो आपस में तो बॉन्ड है HH के, बट इन दोनों बीच में कोई बॉन्ड है क्या? नो सर. नो सर. इनके बीच के डिस्टेंस जो होगा कौन सा डिस्टेंस, ये क्या होगा? वान डर वाल होगा. देखो तो yes, ये आपस में बॉन्डेड नहीं है, ये भी आपस में बॉन्डेड नहीं है. दोनों में फर्क क्या है? ये मैंने एक एटम का एग्जांपल लिया है, एटम एटम, और ये मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के लिए एग्जाम्पल, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल. तो यहाँ पे भी तो आर क्या हो जाएगा? वान डर वाल. तो डी वान डर वाल बाई टू अप्रोक्सीमेटली. सर मतलब ये बाकी दो से कम एक्यूरेट होगा? ये तो सबसे ज्यादा एक्यूरेट है, बहुत लार्ज वैल्यू है, डिस्टेंस दूर है. एक्यूरेसी कम कब हो जाती है? जब ओवरलैपिंग होता है. खुद सोच के देखो, दो टेनिस बॉल ले लो, हरे वाले जो बॉल जिसका हम खेलते थे, वो जब ऐसे दूर दूर थे तो उनके बीच का डिस्टेंस कम एक्यूरेट आएगा, जब आपस में ओवरलैप कर जाए और आपको मालूम नहीं कितना ओवरलैप किया है. राइट सर. यस सर. खुद सोच दो किसमें एरर ज्यादा आएगा, ओवरलैपिंग किसमें एरर ज्यादा आएगा. इसमें एरर कम है, बट अब आपसे मैं पूछूं इन जनरल बताइए, ये हो गया इतना ही है, क्लियर है ना? ये वान डर वाल्स रेडियस अलग से टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में. वान डर वाल्स रेडियस नहीं, सॉरी, वान डर वाल्स फोर्स. वान डर वाल्स भी तीन टाइप के फोर्स होते हैं, पढ़ाऊंगा मैं. तो ये हो गया. अब ये है कि आप बताइए, तीन रेडियस पढ़ा आपने फिलहाल, कोवेलेंट, मेटालिक, वान डर वाल्स, इन तीनों में सबसे लार्ज कौन सा लग रहा है आपको? सबसे लार्ज वाले किसकी आएगी जनरली? वंडर वॉल. वंडर वॉल की आएगी सर. वंडर वॉल की. तो इन जनरल ऑर्डर क्या हो जाएगा रेडियस का? वंडर वॉल, फिर कोवेलेंट, फिर
वो मेटालिक ना, मेटालिक ज्यादा होगा, मेटालिक में ओवरलैपिंग नहीं माना गया है, कोलेंट में ओवरलैपिंग होता है ना। हाँ सर। तो आप पूछ रहे थे कि सर एग्जाम में क्वेश्चन आया क्या, इस टाइप क्वेश्चन आ सकता है, ऑर्डर पूछेगा। ओके सर। चार ऑप्शन बन जाएंगे ऑप्शन चेंज कर करके, ठीक है, या फिर क्वेश्चन पूछता है कि बताइए, ऐसे पूछ देगा कि किस गिवन मॉलिक्यूल्स में चार ऑप्शन रहेंगे, मॉलिक्यूल्स दे रहेंगे, बताइए किनमें वान डर वाल्स फोर्स होगा, चार ऑप्शन रहेगा, तो आपको पता होना चाहिए कि वान डर वाल्स फोर्स कहाँ होता है। तो हम लोग वान डर वाल्स फोर्स जब अलग से पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग में, तब पूरा डिटेल आपको आ जाएगा। फिलहाल तो सिर्फ रेडियस क्या होता है, निकालते कैसे है, और जनरल एक क्या वैल्यूज आते हैं कंपेयर करना हुआ तो, ठीक है। तो ये हो गया अभी तक का तीन, इतना ये लेक्चर स्टॉप करेंगे। आयनिक रेडियस तो ये लेंदी है, आयनिक रेडियस में फिर से दो टाइप होंगे, कैटायनिक रेडियस और एनायनिक रेडियस, कैटायनिक बनता है और एनायनिक बनता है, ठीक है। फिर उनके ऑर्डर का ट्रेंड वो सब नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। थैंक यू सर। वो पीरियोडिक प्रॉपर्टी का असाइनमेंट में आपको लेट हो रहा है क्योंकि वो मैडम का एक्चुअली हेल्थ का इशू है, थोड़ा भी आ गया है, ठीक है, तो उनको भी थोड़ा हॉस्पिटल वगैरह के चक्कर भी काटने पड़ रहे हैं, तो थोड़ा टाइम लगेगा, अभी हो सकता है मंडे तक चला जाए, बट अभी तक अपने हम लोगों ने ऐसा बहुत ज्यादा कुछ पढ़ाने के सॉल्व कर ले, ठीक है। ओके। तो जिनका एटॉमिक स्ट्रक्चर करा गया वो लोग सॉल्व करें। यस सर। और वर्कबुक 2 भी नहीं मिली। वर्कबुक 2 नहीं मिली। अच्छा, एक्सरसाइज 2 नहीं मिला है? नहीं सर। ठीक है, वो तो असाइन करवा देता हूं मैं सर, टाइम भी नहीं बढ़ा है सर। और अच्छा, यस यस, टाइम पे। हाँ सर, टाइम वाला भी, और आप एक बार कैनवस का देख लीजिएगा सर, उस पे लेक्चर्स और ये सब असाइनमेंट देना बहुत आसान है, आप उधर वो को बनाना वगैरह भी काफी आसान हो जाएगा आपके लिए। टाइम ऑफ असाइनमेंट, पीरियोडिक प्रॉपर्टी, ऐसे मैं भूल जाता हूँ एक्चुअली, असाइनमेंट एंड वर्कबुक एक्सरसाइज टू, वर्कबुक एक्सरसाइज टू, चलो मैं अभी बात थैंक यू। बाय सर। बाय बाय।